मेरे बच्चे आज फिर उदास बैठे हो। रोज कोई ना कोई कारण ढूंढते रहते हो उदास रहने का। खुश रहने के कारण क्यों नहीं ढूंढते? तुम्हारे आसपास कितनी खुशियां हैं उनको भी ढूंढो ना मेरे बच्चे। जिंदगी कभी भी किसी की आसान नहीं होती, इसे बनाना पड़ता है कुछ नज़रअंदाज करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ मेहनत करके और कुछ सही समय पर सही फैसले करके। क्या अपनी जिंदगी को यूं ही रोते हुए बिता दोगे? अपने जितने भी परिवार के लोग और जो भी दोस्त हैं सबके साथ प्यार से रहो, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहना सिखाओ। रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। अगर थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाए तो एक दूसरे को बना लेना चाहिए। रिश्तों में सबसे अच्छा रिश्ता वही होता है जो किसी की गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ पहले जैसा हो जाता है। तुम्हारे दुख का पता क्या कारण है? तुम उपेक्षा रखते हो। तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबसे प्यार करते हो, तुम चाहते हो कि सब तुम्हारे जैसे बन जाएं। पर मेरे बच्चे, सब लोग तुम्हारे जैसे तो नहीं बन सकते ना। तुम सबसे निस्वार्थ प्यार करो, जैसा स्वभाव है बहुत अच्छा है, इसे बनाए रखो। पर किसी से कोई भी उपेक्षा मत रखो, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो या बच्चे या तुम्हारे परिवार के लोग, तभी तुम जीवन में शांति से रह पाओगे। और तुम्हें ये भी शिकायत रहती है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, तुम सबके लिए इतना करते हो। मेरे बच्चे, ये जिंदगी की सच्चाई है। ना तो हर कोई आपको समझ सकता है, ना ही आप हर किसी को समझ सकते हैं। इसलिए अधिक सोचकर खुद को दुखी ना करें, जैसा है चलने दें, व्यवहारिक रहे और कुदरत से मिली हुई हर चीज का स्वागत करें। कोई तुम्हारे प्यार को नहीं समझता, पर तुम्हारा बाबा समझता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम बहुत तनाव लेते हो मेरे बच्चे, तनाव लेना बंद करो और खुद का ध्यान रखो। सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करो, तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे जैसे इंसान तो विरले होते हैं जो दूसरों का ध्यान रखते हैं, तभी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया हूँ। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। आज जब तुम मंदिर में आए मुझे बहुत कमज़ोर लग रहे थे, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता लग रही थी, इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। जब तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे दूसरों का ध्यान रखोगे? मेरे बच्चे, तुम अपने मन की सुनो, अपने मन की करो। लोग क्या कह रहे हैं उसकी चिंता मत करो। जब मैं हूँ तुम्हारी परवाह करने के लिए, अपने मन और जीवन की डोर को मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम अपने जीवन का पूरा आनंद उठाओ और हर रोज़ इस विश्वास के साथ अपना नया दिन शुरू करो कि बाबा मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहेंगे और जो भी करेंगे भले के लिए करेंगे। अब तो खुश हो जाओ ना, बाबा ने इतना विश्वास दिलवा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए सब अच्छा कर रहा हूँ। खुश हो जा मेरे बच्चे और अपना ध्यान रखा कर।